गोकुलदास वगैरह हमने क्या लेवल्स पे दिए हैं, वो 50 रुपए से नीचे के लेवल्स पे हमने गोकुलदास 50-60 रुपए की रेंज में दिए, अब वो 125 हो गया। तो अगर आज की प्राइस पे कोई एक शेयर आपको टेक्सटाइल स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो वो सियाराम सिल्क मिल ही होना चाहिए। इससे बढ़िया क्वालिटी वाला शेयर मिलना ढूंढना मुश्किल है। वजह देखिए, एक सिंपल सी चीज है, इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है सियाराम की और इनकी जो भी क्लोथिंग ब्रांड्स हैं वो एक के बाद एक बहुत मजबूत है, उसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा, प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड इतना जबरदस्त है, 40 साल पुराने ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी कोई गवर्नेंस इश्यू नहीं, कभी कोई ऐसे आपको सुनने को नहीं मिलेगा जिससे कि आप प्रमोटर्स पे संदेह करें। नहीं तो आमतौर पर टेक्सटाइल कंपनी में ये हमेशा इश्यू रहता है क्योंकि वो ओवर एक्सपांशन करते हैं, फिर उसके बाद दिक्कतें आती है, बैलेंस शीट बिगड़ती है। सियाराम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे बढ़िया जो दो चीजें होनी चाहिए, प्रोडक्ट और प्रमोटर, वो एकदम साफ साफ आपको दिखती है। इसके बाद आगे का आउटलुक, आमतौर पर फैब्रिक बनाने का कारोबार करती है और ये सप्लाई करते हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। इस वक्त लोगों को ये लगता है कि जो बाहर डोमेस्टिक जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं ना उन पर फोकस कीजिए, बिल्कुल करना चाहिए। जो अमेरिका यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर, अमेरिका यूरोप में हालत ये है कि स्टोर्स में सामान नहीं, लोग लाइन लगा लगा कर खरीद रहे हैं, लेकिन कपड़े अगर वहां बिक रहे हैं तो जो कंपनी कपड़ा बनाकर हमारे यहाँ के लोग कंपनियों को बेच रही है और वो गारमेंट्स बनाकर बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो सारा कपड़ा बनाने का काम है वो सियाराम सिल्क मिल करती है, फैब्रिक ये बनाती है। तो यहाँ पर इनके पास में सारा का सारा स्टॉक हाथों हाथ बिक रहा है। अभी भी थोड़ा इन्वेंट्री और बचा हुआ है, उसका इन्वेंट्री गेन जबरदस्त मिलने वाला है, क्योंकि इस वक्त टेक्सटाइल कंपनियों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो अमेरिका से उन्हें ऑर्डर मिले हुए हैं, यूरोप से ऑर्डर मिले हुए हैं, अगर वो समय पर पूरा नहीं कर पाए तो ब्लैकलिस्ट ना हो जाए, क्योंकि डिमांड वहां जबरदस्त है, तो उन्हें जिस भाव पर जैसा कपड़ा मिल रहा है वो खरीद कर बनाकर भेजने के चक्कर में। तो ये एक बड़ा डिमांड आउटलुक है सियाराम सिल्क के लिए। वैल्यूएशन 1000 करोड़, 1050 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, बहुत ही सस्ती है, सेल से कम में मिल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ इस साल 22 रुपए के आसपास की ईपीएस कंपनी करेगी, 10 के आसपास के पीई मल्टीपल पर है। मेरे लिए इमीडिएटली इस स्टॉक का टारगेट बनता है 300 रुपए का, लेकिन मैं फिर कहूंगा दीप, 300 रुपए में भी बेचना नहीं है मुझे, वहां पर भी ये स्टॉक सस्ता लगेगा अगले एक दो क्वार्टर के अर्निंग में, देख लूंगा तो उसके बाद में। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा स्टॉक है जो मस्ट हैव इन पोर्टफोलियो, होना ही चाहिए, बहुत बढ़िया उमदा क्वालिटी का शेयर है और ये आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखें। तो बाजार में जब भी गिरावट आए, करेक्शन आए, अपनी लिस्ट में इस स्टॉक को रख लें कि टेक्सटाइल में अगर मुझे एक सेक्टर